ये होली के रंग न्यूचर वालों के संग, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये मैदान सजाया हुआ है, और छोटे बच्चे और बड़े सब अपने खुशियों का इजहार इस उम्र के में जाहिर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से खेला जा रहा है, छोटे बच्चे जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और ये होली का त्यौहार मनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे गहर, इसको गहर कहते हैं, गहर का जो आयोजन किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये खेला जा रहा है यहाँ पे, और काफ़ी तमाशाई भी है यहाँ पे। Thank you.
काफी सारे लोग जो हमारे यहाँ पे भी आए हुए हैं, जैसे वजीर है, सुत्राट, सोनार है, चारण है और काफी कौम है जो मिलती है राजपूत। इस रान के फायदे क्या है, फैंसी वैसे फायदे क्या है इसके? इस रान के तो एक हम देखी जाए तो जिस्मानी वर्जिश भी है और उसके साथ ये पुरानी राजपूत से लड़ने का जो तरबियत थी, लेकिन अब वो चलती आ रही है और वर्जिश भी है, बच्चों को प्यार अच्छा। अभी भी आपके छोटे जो आने वाली नस्ल है उनको ये चीज़ें सिखा रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, ये जो छोटे से बच्चे हैं उनकी तरबियत के लिए ये आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में बड़े लोगों के साथ जो है बच्चे भी खेल रहे हैं तो उनकी तरबियत हो रही है, वो छोटे बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर इसी तरह से खेल रहे हैं। अच्छा पहले वाली रात तो मैं डांडिये में और आजकल में कोई फ़र्क आया है, कोई उसमें कोई तजाद आया है, फ़र्क आया है? भैया देखा जाए तो ज़्यादातर नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों में से फ़र्क आया है। पुराने जो लोग होते वो दूसरे तरीके से खेलते हैं, ये रहा जो आजकल के लोग पहले ज़माने में जो होली है उसके साथ जो है दो तीन लोग गीत गाते थे, अब वो चीज़ नहीं है। अच्छा ये गैर कहते हैं जिसको, गैर भी ख़त्म हो गई है, गैर चलती थी किसी होली के, वो गैर किस तरह खेली जाती थी, उसकी उसमें क्या तरीकेकार होता था गैर का? ज़्यादातर तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जो नॉलेज है नॉलेज हम आपको बता रहे हैं जो है आस पास के लोग रंग होता है रंग से खेलते थे उसको गैर कहा जा रहा है, एक दूसरे में रंग जो है फेंकेंगे ये थे छोटो छत्तर सिंह जिन्होंने होली इसके डांडियों के हवाले से और धूड़ेली के रंग खेले जाने वाला गैर उसके मुतालिक बातचीत की और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि इसका मकसद क्या होता है और साइंसी वे में इसके कितने फ़ायदे हैं और भी काफ़ी चीज़ें की गई, अपने ये जो आने वाला नस्ल है उसको भी ये चीज़ें ये सिखा रहे हैं।